हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि नए सिविल इंजीनियरों के लिए और सुपरवाइजरों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर अपना पर्सनल मकान भी बना रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी काम आएगा। तो मेरा मकसद बस यही रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग बनाने समय सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है लेबल। कि लेबल पहले हमको फाइनल करना होता है कि लेबल क्या रखेंगे हम बिल्डिंग का। ये चीज़ आप पॉइंट नोट कर लिए कि लेबल है। दूसरा हमारी होती है लाइन। लेबल और लाइन दो चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना होगा। ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में। ये दो चीज़ काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप लेबल का कैसे करेंगे, तो हमारे कोड के हिसाब से बताया गया कि जो भी आपकी रेजिडेंशियल, मान लीजिए आपका घर है, ये आपकी गली जा रही है, तो जो हमारे सेक्टर वगैरह होते हैं उनके अंदर सेंटर ऑफ रोड आपका लेबल ले लेते हैं। तो ये आपका रोड का जो भी सेंटर होगा ये लेबल आप उठा लेंगे, वो आपका उससे आप 350-400-500 mm तक इसको अप करके वो आपका प्लिंथ लेबल हो जाता है, वो आप बनाते हैं। जो हमारा कमर्शियल होता है उनमें भी सेम यही होता है कि आपके सामने जो भी सेक्टर रोड जा रही हो उसके सेंटर से आप वो लेवल, लेकिन ये लेवल जो भी आप उठाएंगे तो उसको एक काम करिए, आप कहीं भी उसका एक बेंच मार्क बना लीजिए और उस पर वो लेवल लिख लीजिए, अगर अप में है या प्लस माइनस प्लस 0-0 कर लीजिए इसको, ये आपका लेवल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप डीप में जाते हैं तो आप माइनस में जाएंगे, अगर आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आप प्लस में जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है, अगर आप नीचे जाते हैं तो माइनस में जाते हैं, अगर आप ऊपर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं। ये आपका एनजीएल जो होता है, एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हो गया वो 0-0 होता है। अगर आप 0-0 से अप जाते हैं तो ये आपका अप जब जाएंगे ये आपका प्लस में चलता जाएगा जितना मीटर जाएंगे, और नीचे बेसमेंट में जाएंगे तो वो माइनस में, आपकी रीडिंग माइनस में होगी। मान लीजिए जब 4 मीटर गए ऊपर तो ये प्लस 4 मीटर हो जाएगा, और अब माइनस में गए 4 मीटर तो माइनस 4 मीटर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली होती है कि एनजीएल से ऊपर जाते हैं तो वो प्लस होता है, नीचे जाते हैं तो वो माइनस होता है। ये आपका नोट हो गया। और जब भी आप हमारे, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो ड्राइंगों में हमारा दे रखा होता है वो FFL दे रखा होता है। FFL मीन्स होता है फ्लोर फिनिश लेवल। तो फ्लोर फिनिश लेवल आपको उसमें क्या करना होगा कि फ्लोर मार्जिन कितना ले रखा है वो आपको देखना होगा। अगर आपका 50 mm है तो 50 mm के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर वाला वो होल लगाना पड़ेगा, सर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका 100 mm है तो 100 mm माइनस करके हमेशा चलना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका 50 mm है तो 50 mm के हिसाब से मार्जिन लेके चलना है, 100 mm है तो 100 mm के हिसाब से मार्जिन लेके चलना है। फ्लोर पे भी और बेसमेंट में जब आप PCC करते हैं वहाँ पे भी आपके दो लेवल होते हैं। हम सपोज करिए कि ये 4 मीटर हाइट दे रखा है फ्लोर FFL, और ये भी FFL हो गया। अब आपको यहाँ से FFL से और यहाँ FFL आपका 4 मीटर होना चाहिए। तो आप इसमें कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपका ये हो गया कंक्रीट का जो भी होगा फाउंडेशन का वो हो जाएगा। वो होने के बाद आप इस पे आएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर फिनिश मार्जिन, मान लीजिए 100 mm दे रखा है तो आपको 100 mm डाउन रखना पड़ेगा इसको, तो आपका हो जाएगा 4100 हो जाएगा, ये माइनस 4100 100 mm में डाउन करके रखना पड़ेगा तो माइनस 4100 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से आप चलेंगे 4 मीटर तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर जाने के बाद तो प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 100 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जितना मार्जिन है जब वो करेंगे, जब यहाँ पे आप इसमें जब 100 mm ऊपर जाएंगे
जब 100 mm यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये जब 4 मीटर यहाँ से 4100 हो जाएगा, जब यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 4 मीटर आएगा। तो आपका ये जब फिनिश लेवल से यहाँ फिनिश लेवल में जाएंगे तो वो 100 mm यहाँ जब अप जाएगा तो यहाँ भी अप होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान दे के चलना होगा। ये तो हो गया हमारा लेवल का। दूसरा हमारा होता है लाइन का। अब लाइन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा लेवल का तो चैप्टर क्लियर हो गया, अब मैं आपको लाइन का बताता हूँ। अब सपोज करिए ये आपकी प्लॉट है, ये आपका प्लॉट हो गया। अब प्लॉट में आपका ये यहाँ से आपका रोड हो गया, ये आपका रोड हो गया। अब आपको बिल्डिंग के हमने पॉइंट दे दिए, इसको मान लीजिए आप ए बना लीजिए, इसको बना लीजिए बी, इसको बना लीजिए सी, इसको बना लीजिए डी। ये आपके मेन पॉइंट हो जाते हैं, आपके ए बी सी डी, इनकी जो भी डिग्री होगी वो मेंशन कर देगा, ये अपनी डिग्री वगैरह सब मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आती है, ये आपकी मेन लाइन हो गई, इसमें आपको यहाँ भी बेंचमार्क बनाना है, यहाँ भी बेंचमार्क बनाना है, यहाँ भी बेंचमार्क बनाना है, यहाँ भी बेंचमार्क, पक्के बेंचमार्क आपको बनाने हैं, इसी के हिसाब से आपकी बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद आती है बेंचमार्क की और ग्रिड लाइन की आती है। फिर आप सर्वेयर बुला के जो भी ड्राइंग में, जैसे मान लीजिए 10-10 मीटर की ग्रिड दी हुई है, तो आपको एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसको मान लीजिए आपने एक्स मान लिया और ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लेंगे हम, एक्स वाई के थ्रू होता है। तो आपकी ये बेंच मार्क मान लीजिए, एक आपने ये बना लिया, फिर इसके सामने ये बनवा लिया, यहाँ बेंच मार्क, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इसी के हिसाब से आपके फिर कॉलम डिजाइन हो जाते हैं। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग की बात है, सोचने की बात है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी ये पॉइंट्स अगर क्लियर हैं तो इन पॉइंटों से ये पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं, उसके बाद ये पॉइंट भी निकल जाएगा, फिर सीधी लाइन दीजिए, इन्हीं के हिसाब से कॉलम की डिजाइन हो जाती है, फिर आपकी बिल्डिंग इसी के बेस पे बनेगी। तो ये पॉइंट आपके लास्ट तक यूज होते हैं, बस आपको ध्यान यही रखना है कि इन पॉइंटों से जितनी डिस्टेंस दे रखी है उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, और लाइन अगर 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे लाइन होनी चाहिए। इसमें कहीं भी अगर कोई एरर आता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके कॉलम आउट हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे कॉलम का डिजाइन करता है वो इस ग्रिड से बता देगा आपको, ग्रिड से मान लीजिए 400 mm है, इस ग्रिड से 400 mm दे देगा, यहाँ से 250 है, 250 दे देगा, तो सिंपल से लेआउट हो जाता है आपका। तो मेरे हिसाब से आपका लेवल और लाइन दोनों क्लियर हो गया। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।